मत भी बोलो बाबू, अंतिम बार तुमको मैं चेतावनी दे रहा, अब तुमसे चेतावनी नहीं करूंगा, आपकी बार के बाद तुमको चेतावनी नहीं करूंगा, समझ जाना। जनसंपर्क कार्यक्रम में जनता को ही चेतावनी देते ये हैं बिहार सरकार में खनन और भूतत्व मंत्री ब्रज किशोर बिंद, और अब उनका ये वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार से विधायक रह रहे ब्रज किशोर बिंद इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करने में लगे हैं। जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र के मेढ़ गांव में जनता को अपने किए गए कामों के बारे में बता रहे थे, तभी एक लड़के ने उन्हें बीच में टोका और कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, जिसके बाद मंत्री जी और उनके समर्थक लड़के पर भड़क गए और ब्रज किशोर बिंद ने लड़के को अंतिम चेतावनी दी और कहा कि लड़के पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अरे सर, नेट पर देख लेना, सलाल आलम का यार सुन ले, सुन ले बाबू, थोड़ा से बड़ी खेद है, अब सलाल मत कर, अब सलाल मत कर, हां चुप रह। अरे भी उपेंद्र कुशवाहा, मैंने नाम रखा ना, ये भी समझदार भाई है, तुमको कुछ उपेंद्र कुशवाहा बन जाइए। मोहन राजनीत शास्त्र आप बताइए ना कि आप बताइए, अरे छोड़ दीजिए इसका, मत बोलो बाबू, अंतिम बार तुमको मैं चेतावनी दे रहा, अब तुमसे चेतावनी नहीं करूंगा, आपकी बार के बाद तुमको चेतावनी नहीं करूंगा, समझ जाना। जब ब्रज किशोर बिंद से इसको लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के लोग जानबूझकर कुछ ऐसा करते हैं कि वो बदनाम हो जाए, रणनीति बना करके लुच्चे लफंगे टाइप के लोग जो बेवजह बकवास करते हैं, शरारत करते हैं और हो हल्ला करते हैं ताकि ब्रज किशोर बिंद बदनाम हो कि जनता इन्हें मान नहीं रही, ये करने से जनता सारी बात समझ रही है, जनता मेरे साथ है, निसंदेह आने वाले समय में जनता मेरा भरपूर सहयोग करेगी और सदन में भेजेगी। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं कि मंत्री जी अपने बयानों या वीडियो को लेकर वायरल हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने भगवान शिव की जाति का उल्लेख करते हुए कहा था कि भगवान शिव बिंद जाति से आते हैं। एक दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ था जहां उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें वोट नहीं दिया गया तो अकाल पड़ जाएगा। बड़ा पहलवा अकाल पड़ जाए, धरना नहीं सुखा जाता ला, तो हमरे विधायक में लक्षण यो होला ना, इतना बरखा बरसा था क्यों के धान मरल है जाता, तो हम हरली तीन जगह काले पड़ी। विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही नेता अपने अपने क्षेत्रों के दौरे में लगे हैं, लेकिन इस बीच उन्हें कई बार जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कैमूर से रंजन कुमार त्रिगुन की रिपोर्ट, बिहार तक।